रविचंद्रन अश्विन ने थर्ड अंपायर को किया ट्रोल। इस सीजन अंपायर्स की खराब अंपायरिंग पर आया अश्विन का बड़ा बयान। दरअसल गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2024 के 40वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के कैच आउट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। उनके कैच को लेकर थर्ड अंपायर के फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। अब इस सवाल के बीच आर अश्विन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए थर्ड अंपायर को लेकर बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है। उनके बयान ने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें, डीसी और जीटी के बीच मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ जीटी के गेंदबाज संदीप वॉरियर के चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर नूर अहमद के हाथों कैच आउट हो गए और इस कैच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। डीप स्क्वायर लेग पर नूर अहमद ने शॉ का कैच लपका। ये काफी लो कैच था। नूर अहमद ने जब गेंद को लपका तो ऐसा नजर आ रहा था कि गेंद जमीन से टच हुई है। मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद ली और थर्ड अंपायर ने भी शॉ को आउट करार दे दिया। शॉ को 7 गेंदों में 11 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा, मगर उनके इस विवादित विकेट पर बहस शुरू हो गई है। इस पर अश्विन ने अंपायर को ट्रोल करते हुए लिखा, जो भी इस मैच के लिए थर्ड अंपायर था उसे टॉप नॉच अंपायरिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं मिचेल मैकलेगन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, शॉकिंग टीवी अंपायर कॉल। आपको बता दें, इस सीजन अंपायरिंग की जमकर आलोचना हो रही है। कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल तो कभी कैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के और आरसीबी के बीच मैच में विराट कोहली के खिलाफ भी थर्ड अंपायर का फैसला काफी चर्चा में रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।